हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन की सब्जी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये देखिए, यही है सहजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रम स्टिक, और लोकल बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं मूंगा। तो इसी की सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ। ये गर्मी के मौसम में मिलता है, और इसके तोड़ने का तरीका यह है कि इसकी डाल ही काट लिया जाता है। और पता है, इसके पेड़ में या तो फिर गांव की सब्जी है, हर जगह से मिलती भी नहीं है। ये क्या होता है कि इसको इसके पेड़ में ना भूगा बहुत लगता है। इसको पीठ पर बड़ा बड़ा सरवा होता है, अगर कहीं चुभ जाए बहुत घंटों खुजली होती है, फूल के लाल हो जाता है। इसलिए आमतौर से लोग इसको लगाना पसंद नहीं करते हैं, मगर ये बहुत टेस्टी होती है। और इसको खाने से, ये गर्मी के मौसम में, मार्च अप्रैल का जो मौसम होता है, तो इसी में ये फलती है। और अचानक एक ही बार इसका सीजन आता है, और आने के बाद फिर ये तुरंत मार्केट से खत्म हो जाता है। तो लॉकडाउन की वजह से तो ये मार्केट में मिल नहीं रहा था, तो मेरी नजर पड़ी तो मैंने मंगवा लिया है। इसको खाने से, इस मौसम में, गर्मी के मौसम में पॉक्स का बच्चों को खतरा ज्यादा रहता है, तो इसकी सब्जी खाने से पॉक्स की इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये पॉक्स नहीं होता है। सबसे पहले तो देखिए कि मैं इसको काटती कैसे हूँ। जैसे ये स्टिक है, इसीलिए इसका नाम ड्रम स्टिक है। ऐसे ऐसे करके ड्रम बजाने के काम आता है, इसलिए ड्रम स्टिक। जैसे ड्रम स्टिक रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही स्टिक जैसा लंबा लंबा फलता है। तो मैं देखी तो कैसे काट रही हूँ। ये सिर है इसका, इसको यहाँ से इस तरह से काटा मैंने। इसको ऐसे रेशा की तरह निकलता है, इसको यहाँ से काटा। और काटने के बाद फिर ऐसे करके इसका रेशा छील लेना है, रेशा को छील छील करके। देखिए, इसको हाथ से ही बना सकते हैं, कड़ा हो गया तो कटता नहीं है। इसको जैसे 1 इंच 2 इंच के टुकड़े में ऐसे इसको छील लेना है, फिर ये रेशा इसका निकलता है। ये खाने में कड़वा और रस्सी जैसा कड़ा कड़ा होता है, इसको खींच लेना है ऐसे, हाथ से खींच खींच करके ही। चाहे तो इसको हाथ से भी टूटे बना सकते हैं हाथ से, लेकिन मुझसे हाथ से नहीं टूटता है। मैं थोड़ा सा कट मारती हूँ, उसके बाद फिर इसको ऐसे छील लेती हूँ। ये साइड का जो रेशा है, इसको ख्याल रखना है कि ये जो है ये कटता नहीं है मुझसे। ये देखिए, इसको फिर थोड़ा सा छील लेना पड़ता है ऐसे करके। इसी तरह से करके सारा जो है रेशा को अलग निकाल लेना पड़ता है। तो इस तरह से 1.5 इंच के टुकड़े में इस सबको काट लेना है। देखिए, मैं एक और काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसको ऊपर का डंठल काट के निकाल देना है, तो छीलना है ऐसे करके। देखिए, रेशा लंबा लंबा रेशा के तौर पर निकलता है ये। इसको फेंक देना है। इस चाकू से मुझसे नहीं कट रहा है, दूसरा चाकू लेती हूँ मैं। देखिए, तो ऐसे काटा, थोड़ा सा कट छोड़ दिया, फिर से खींचा। खींचने से ये रेशा निकल जाता है इसका। ये हो सकता है सब जगह पे ना मिलता हो, मुझे उतना आइडिया नहीं कहाँ कहाँ मिलता है ये। हमारे यहाँ बस एक बार इसकी फसल आई, मार्केट में बिका, और बिकने के बाद ये खत्म हो जाता है तुरंत। तो लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं रहे थे, देखा आज ही नजर पड़ी तो सोचा कि मंगवा लिया जाए। इम्यूनिटी बूस्टर है ये। इसको जैसे कि पॉक्स निकलने के सीजन के पहले इसको खा लेने से 2-3 बार आपको पॉक्स नहीं निकलती है। इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। इसी तरह से सारे ड्रमस्टिक को, सहजन को 1.5 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। तो सहजन मैंने काट लिया है, और काट करके इसको देखिए धो दिया है। इसको इतना 1.5 इंच के टुकड़े में इसलिए काटते हैं ना कि इसको चूस चूस के खाया जाता है। और इसका जो निकलता है रेशा, ये पूरा इसी शेप में चूस करके सिर्फ इसका जूस पी लिया जाता है। और इस जूस मतलब चुबा के रस पेट में ला देते हैं, और ये छिलका इसका फूंक देते हैं बाहर में। इसीलिए इसको लंबा लंबा काटा गया है, ताकि ये पकड़ के चूसने में आसानी हो। और साथ में इसके डाल दिया थोड़ा सा, एक बड़ा आलू लिया था मैंने, और मैंने सारा स्टिक नहीं काटा है, इतना सारा मैंने आधा छोड़ दिया। इसको मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि मिल नहीं रहा था तो मैंने सारा एक ही बार मंगवा लिया था, ज़्यादा आधा किलो, तो ये रख दिया है। और आधा मैं बना रही हूँ। इसमें डालने के लिए कुकर में मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, और मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि देहाती सब्जी है ये, इसमें ज़्यादा कुछ डालते नहीं है। तो इसमें डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और ये छौंके के लिए थोड़ा सा मेथी दाना, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़े से कटे हुए टमाटर। तो कुकर गरम हो गया है, कुकर गरम हो गया। अब इसमें 1.5 चम्मच के अंदाज में तेल डाल देंगे। इसमें तेल ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वैसे भी तो इसमें रेशे के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो तेल इसमें ज्यादा डालना पड़ता है। तो तेल हो रहा है मेरा गरम। सूखे मसाले एकदम से डालने में जल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको
सारे सूखे मसालों को और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पानी दे करके इस तरह से पेस्ट टाइप का बना दिया ताकि ये एकदम से तेल में डालने से जले नहीं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं मेथी दाना डाल दे रही हूँ। मुझे मेथी तड़क रही है, अब इसमें मैं मसालों का पेस्ट डाल दूंगी। ढक्कन मैंने ढक दिया है ताकि पूरा इसका निकल गंदा हो जाता है, किचन गंदा हो जाता है। मसालों में मैं टमाटर भी डाल दे रही हूँ, साथ कर भून जाए। बड़ी आसान सी सब्जी है, शॉर्टकट सब्जी है, बस पूरे सीजन में एक ही दो बार मिलती ही है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। एक दो बार मिलने के बाद ही खत्म हो जाती है। अब मैं इसमें मसाला थोड़ा सा भून गया है, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ, देखिए बाहर आइस में जा रहा है, देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो देखिए इसमें कढ़ाई में मैंने सहजन आलू टमाटर सब इकट्ठे डाल दिया है मसालों के साथ। अब मैं इसको दो तीन मिनट भूनूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा तेल छूट जाए। इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है, तो दो हाथ थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक अंदाज से, टेस्ट के हिसाब से। देखिए मुझे इसके तेल के जलने से खांसी आ रही है मसालों की महक से। इसको चलाने के बाद नमक डालने से क्या होता है, इसमें से पानी छोड़ने लगेगा अपने आप ही। दो तीन मिनट चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी देकर सीटी लगा दूंगी, और जब ये गल जाएगा तो फिर मैं इसको खाने के लिए रेडी हो जाएगा, सर्व कर लूँगी। टमाटर डालने से थोड़ा खट्टापन इसमें आता है, अगर टमाटर नहीं डालना चाहती तो इसमें इमली भी डाला जा सकता है, इमली की थोड़ा सा खट्टा खट्टा मतलब खट्टा फ्लेवर आने के लिए, क्योंकि सहजन में तो अपना कोई टेस्ट होता नहीं है। इसीलिए ये देखिए कितना अच्छे से बन रही है, अब मैं सीटी ढक्कन लगा दे रही हूँ। उसमें लगातार दो मिनट से मैं भून रही थी, दो मिनट नहीं मुझे कि आठ दस मिनट से मैं इसको भून रही थी धीमी धीमी आँच पर। इससे क्या होगा कि टमाटर गल गया भूनते ही भूनते, और इसमें जो है तेल छूट गया है मसाले में, देखिए हल्का हल्का तेल छूट गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दें, जो सीटी लगाना है थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी। पानी लगाने के बाद अब मैं इसमें ढक्कन लगा दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ कुकर में। देखिए अब सीटी आने ही वाली है, आ रही। सब्जी पक चुकी है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखिए कितनी सुंदर सब्जी बनी है, प्यारी प्यारी सी, टेस्टी टेस्टी। ये जो है सर्दी जुकाम खांसी से लड़ता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी है, तो इसमें बहुत सारे मतलब कि संजीवनी बूटी भी कह सकते हैं इसको आप, बहुत सारा फायदा है इस सहजन का। है तो जंगली फल, लेकिन इसमें क्या है कि मेरी सबसे बड़ी बात ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अभी जो जैसा कि कोरोना चला हुआ है आजकल, जिसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, तो अभी सीजन चला हुआ अभी है ड्रमस्टिक का, तो जरूर से जरूर सहजन की फली मंगा करके एक बार खा ही लीजिए। सर्दी खांसी जुकाम छाती में कफ ये सब ठीक करता है। हम लोग तो इसको बहुत पहले से खाते आए हैं, हर साल में दो बार तीन बार पका ही लेते हैं इसको, जब सीजन इसका आता है मार्च अप्रैल में तो दो तीन बार इसकी सब्जी बना के खा लेते हैं पॉक्स से बचने के लिए। मगर चूंकि इस बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो कोरोना से बचाव के लिए भी अच्छी सब्जी है। सब्जी की सब्जी हो गई, अब कोरोना से बचाव भी हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सहजन की सब्जी जरूर पका के खाइएगा। इस विधि से नहीं तो किसी और मेथड से बहुत सारी रेसिपी रहती है बनी हुई, कहीं से भी सर्च करके, लेकिन सहजन खाइएगा जरूर। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, घर में अलग अलग रहिए, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सिर्फ फोन पे बात कीजिए,
घर से बाहर मत निकलिए, सिर्फ निकलिएगा तो सहजन लाने के लिए, वो भी जब आपको पता हो कि नजदीक मिल रहा है तब, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।